अमरेलीना सावरकुंडला पंथकमा वरसादी माहोल छवायो। सावरकुंडला अने आसपासना ग्राम्यमा मेघमहेर। ग्राम्य विस्तारमा वरसाद वरसता खेडूतोमा खुशीनो माहोल छवायो। वंडा, पीठवड़ी, भेकरा, गणेशगढ़ अने जींजुड़ा सहितना गामोमा वरसाद। गीर सोमनाथ जिल्लाना वातावरणमा पलटो। वेरावल पंथकमा भारे कड़ाका भड़ाका साथे धोधमार वरसाद वरस्यो। जूनागढ़ वाड़िया हाटी नाना वरसाद की धमाकेदार एंट्री। खेडूतों पाक बगफड़ी। सोयाबीन और कपासना जीवनदान मळ्यु। खेडूतों में खुशी माहौल। जूनागढ़ मांगरोळ में वादळ छाया वातावरण वच्चे वरसाद। वरसाद वरसता खेडूतों पाक ने मळ्यु जीवनदान। लांबा समय थी खेडूतो वरसाद जोई रहा तारा। जूनागढ़ मांगरोळ में वादळ छाया वातावरण वच्चे वरसाद। वरसाद पड़ता खेडूतों पाक ने मळ्यु जीवनदान। खेडूतो लांबा समय थी वरसाद जोई रहा तारा। डांगवा वघेनो गीराधोध ने जोवा प्रवासी उमटिया। सीजन में पहली बार गीराधोध में पाणी आवता कुदरती सौंदर्य खीली उठ्यु। डांग जिला में वरसाद लेने अंबिका नदी में नवा नीर आव्या। जूनागढ़ मांगरोळ तालुका में हाईवे नु लेवल ऊंचू लेवाथी खेडूतो में खेतरो में पाणी भराया। खेडूतो परेशान थया छे। मांगरोळना हुसेनाबाद गामना खेडूतो में रोष। धारासभ्य बाबु वाजाए हाईवे ऑथोरिटी ने लख्यो पत्र। वडोदराना डभोईमां शहर अने तालुकाना गामोमां लांबा विराम बाद मेघराजानुं आगमन। गाजवीज साथे पड्यो धोधमार वरसाद। असह्य उकળાટ અને બફારાથી લોકોને મળી રાહત। વરસાદ પડવાથી ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી। गृहप्रधान अमित शाह गांधीनगर लोकसभा मतक्षेत्र की मुलाकात था। अमित शाह गांधीनगर में आदिपुर और नादिरपुर में विकास कामों का खातमुहूर्त और लोकार्पण कर। आ तरफ लोकार्पण दरमियान अमित शाह कहू, गांधीनगर लोकसभा मत विस्तार विकास कामों पर मारी नजर है। हूं जयरे फरी मत मांगवा आईश तरह मारा काम हिसाब लईने आईश। वाणिया छोकरो छू। हिसाब में काचू नहीं पड़ू। गांधीनगर में केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाह नेशनल एफएसएल यूनिवर्सिटी नु करू लोकार्पण। शाह कहू कि 21मी सदी में विविध पड़कारों सामनो करवा माटे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होवी खूब जरूरी। भरूच में नर्मदा ब्रिज नु नायब मुख्यमंत्री नीतिन पटेल हस्ते लोकार्पण। 401 करोड़ खर्चे ब्रिज तैयार करायो छे। मध्य गुजरात ने दक्षिण गुजरात थी जोड़ता ब्रिज नु लोकार्पण कर्युं। मोघवारी मुद्दे जामनगर में कांग्रेस विरोध अविरत। सतत छठा दिवसे कांग्रेस देखाव। शहर भाजप कार्यालय बहार कार्यकरोए बेसी रामधुन बोलावी। देवभूमि द्वारका में जिला कांग्रेस ने मोघवारी मुद्दे नोंधाव्यो विरोध। खंभाळिया में कांग्रेस कार्यकरो आगेवानो बळदगाड़ू और साइकिल लईने कलेक्टर कचेरी में पहोंच्या हता। भाव वधारो अंकुश में लावा अंगे आवेदन पत्र आप्यु। भरूच में नर्मदा मैया ब्रिज लोकार्पण अवसरे आपना कार्यकरोए नायब मुख्यप्रधान ने काला वावटा बताया। पुलिस कार्यकरों की अटकायत। सूरत ना पाल पिपलोद ब्रिज ने ले विरोध शुरू। ब्रिज ना नामकरण करने मामले लाग्या पोस्टर। ब्रिज नु नाम डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ब्रिज करवानी पोस्टर में मांग। मुख्यप्रधान ब्रिज नु कर्यु हतु उद्घाटन। सूरत ना फलसाणा में दस्तान रेलवे ओवरब्रिज अधूरा काम ने लईने विरोध। बीएचपी राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कार्यकरोए नोंधाव्यो विरोध। पुलिस तमाम कार्यकरों की करी अटकायत। राजकोटना जेतपुर में भूगर्भ गटरना टैक्स ने लेने भारे विरोध। शहर विकास समिति द्वारा भूगर्भ गटरना टैक्स ने रद्द करवानी मांग। पुलिसे 10 थी वधु लोगों ने करी अटकायत। गोधरा नगरपालिका की 16 जेटली समिति चेयरमैन तरीके भाजपा काउंसिलरोए संभाळ्यो चार्ज। भाजपा कोर्पोरेटरे अपक्ष पास थी आंचकी थी विविध समितिओ। चार्ज संभाळता वक्त भाजपा नेताओं कोविड 19 गाइडलाइन भान भूल्या। दाहोदना फतेहपुरा तालुका में खातर भाव वधु लेवाता होवानी फरियाद। खेडूतोए जिला कलेक्टर ने लिखित रजूआत करी। दुकानदारों मन फावे तेवा भाव वसूलता होवानो आक्षेप। राज्य में 15 जुलाई थी शुरू थशे कॉलेज। एनएसयूआई कॉलेज फी में राहत आपवानी करी मांग। गत वर्षे कॉलेज बंद होवा छता पूरी फी वसूलवामां आवती हती। त्यारे आ वर्षे विद्यार्थीओ 50% राहत आपवानी उठी छे मांग। साथे ज उग्र आंदोलननी पण आपी छे चीमकी। राजकोट में कथित माटी कौभाड़ विरोध में एनएसयूआई नो हबाड़ो। कार्यकर्ताओं कुलपति ने करी रजूआत। यूनिवर्सिटी खाते उग्र प्रदर्शन करने सूत्रोच्चार कर।
सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी द्वारा वधु 30 परीक्षा की तारीख जाहिर कर आगामी 22-29 जुलाई सुधी लेवाशे परीक्षा कोविड गाइडलाइन पालन साथ योजाशे परीक्षा। गुजराती कच्छीओ ने नवा वर्ष की वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी शुभेच्छा पाठवी थी। मोदी सोशियल मीडिया पर ट्वीट कर कच्छीओ ने पाठवी शुभकामना। મહેસાણા જિલ્લામાં પ્રથમ વખત કરાઈ ખારેકની ખેતી। બહુચરાજીના ખેડૂતે શરૂ કરી ખેતી। 8 વીઘા ખેતરમાં બાગાયતી ખેતીને મેળવી 6 લાખથી વધુની આવક। પરંપરાગત ખેતીમાં પોષણક્ષમ ભાવ ન મળતા શરૂ કરી બાગાયતી ખેતી। જામનગરના આમરા ગામમાં પ્રાચીન પરંપરા આજે પણ યથાવત। અષાઢી બીજના પ્રથમ દિવસે ગામના ખેડૂતો કુવામાં 2 રોટલા ફેંકી ચાલુ વર્ષ કેવું રહેશે તેની નક્કી કરે છે દિશા। એટલો પૂર્વ કે ઈશાન તરફ જાય તો કહેવાય છે કે સારા સંકેત। કોરોનાની ત્રીજી લહેરને મહાત આપવા ભાવનગરની સર્ટી હોસ્પિટલ સજ્જ। હોસ્પિટલમાં 2 ઓક્સિજન પ્લાન્ટનું વર્ચ્યુઅલ લોકાર્પણ કેન્દ્રીય આરોગ્ય પ્રધાન મનસુખ માંડવિયાના હસ્તે કરવામાં આવ્યું। રાજકોટના વિછીયામાં સતરંગ ધામમાં અષાઢી બીજની ઉજવણી કરવા હજારોની સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા લોકો। ભીડમાં ઉમટેલા લોકોએ કોરોના નિયમોનો કર્યો ભંગ। કોવિડની ગાઈડલાઈનના ભંગ સામે તંત્ર બની રહ્યું છે મૂકદર્શક। વડોદરામાં પાના ગલાવાળાને બેફામ માર મારનાર બંને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સસ્પેન્ડ। કોન્સ્ટેબલોના ઢોરમારથી ગલાવાળાને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની ફરજ પડી છે। ડીસીપી ઝોન 3 કરજણરાજ વાઘેલાએ એસીપી કુંવારને સમગ્ર ઘટનાની તપાસ સોંપી હતી। એસીપીના પ્રાથમિક અહેવાલ બાદ ઠાકુર અને હરીશ ચૌહાણ નામના પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સસ્પેન્ડ। સુરતમાં ખટોદરા વિસ્તારમાં જાહેરમાં મારામારીની ઘટના। ખટોદરાના વીઆઈપી રોડ પર બની હતી ઘટના। જાહેરમાં યુવકને ઢોર માર મરાયો। અંગત અદાવતમાં યુવકને માર મરાયો। યુવક કરગડતો રહ્યો અને હુમલાખોરો મારતા રહ્યા ત્યાં હાજર રાહદારીઓમાંથી કોઈ બચાવવા પણ ન આવ્યું।